दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर के बारे में। तो ये जो अवार्ड्स एंड ऑनर का ये वीडियो है, ये आपके आने वाले चाहे कोई सब एग्ज़ाम लीजिए, चाहे DRDO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ISRO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, NPCIL का, BRC का, और भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे NTPC के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो है ध्यान से देखिए और कोशिश ये कीजिए कि ये याद रह सके आपको, क्योंकि इससे जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ज़रूर पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से जो है हमारा मोटिवेशन वो बूस्टअप होता है। और हम आपके लिए जॉब्स के रिगार्डिंग और कुछ जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है वीडियोस लेके आते हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि हाल में ही किस भारतीय लेखिका को वर्ष 2019 के 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो यहाँ पे 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार के बारे में बात किया गया है कि ये किसको मिला है। सो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये इसका राइट आंसर है। ये फ़ोटो जो है आपका एनी जैदी का जो है ये फ़ोटो है। सो इनको जो है प्राइज़ मिला है, ये भारत की एक लेखिका हैं, तो इनको जो है 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर है एनी जैदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये किसके लिए दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो पुरस्कार है, द 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार है, ये समसामयिक मुद्दों को उठाने वाले विचारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल है, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एंजटेक ईगल से सम्मानित किया गया। तो पहले आप सभी को मालूम है कि जो प्रतिभा पाटिल हैं वो भारत की पहली राष्ट्रपति थी। तो इनको जो है ऑर्डर ऑफ एंजटेक ईगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है कौन से देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये जो है मैक्सिको का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिको की कैपिटल क्या है और मैक्सिको जो है वर्ल्ड के किस कोने पे है। तो ये देखिए वर्ल्ड का ये नक्शा है। तो यहाँ पे जो आपको ये एरिया शो हो रहा है ये मैक्सिको है। मैक्सिको के ऊपर जो है आपका, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कनाडा हो गया, देन ये जो है ये USA का पार्ट है। तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो है मैक्सिको आता है। तो ये वर्ल्ड मैप भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे ध्यान आना चाहिए। और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है, तो ये जो है हमारा प्यारा भारत है। अगला सवाल है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 ये किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो है आपका, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और दूसरी जो फ़ोटो है वो नैसडेक फ्रीडमैन की जो है ये फ़ोटो है। सो इन दोनों को जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 का दिया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। तो ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड अवार्ड जीता। तो कौन सी कंपनी है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी है। सो इसका उत्तर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। तो भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड अवार्ड जीता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, हाल में ही मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इज़ुद्दीन प्रदान किया गया है। ये जो अवार्ड है ये कौन से देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये जो है मालदीव, जिसकी कैपिटल माले है, MALE, माले जो है इसकी कैपिटल है। तो
इस देश ने जो है अभी मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजित किया है। अब बारी आती है कि मालदीप आखिर है कहाँ पे। देखिए ये जो कोना आपको दिख रहा है ये इंडिया के अरेबियन सी के साइड ये जो एरिया है ये मालदीप का है जिसकी कैपिटल माले है। सो यहाँ पे मालदीप है तो यानी कि जो मालदीप है वो एशिया में ही पाया जाता है, इंडिया के जस्ट नीचे है। अगर मैं बात करूँ तो जो लक्षद्वीप है उसके नीचे है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है यूनिसेफ द्वारा किस अभिनेत्री को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ये आप सामने पिक्चर देख रहे हैं ये प्रियंका चोपड़ा की है। इनको जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड होता है यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है वो इनको प्रदान किया गया है, इनसे सम्मानित किया गया है। 30 क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन के बनने के एग्ज़ाम में। अगला सवाल देखिए, हाल में ही कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले अंग्रेजी लेखक कौन हैं। तो सामने जो इनकी पिक्चर है अमिताभ घोष की, ये अमिताभ घोष जी हैं। तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है पहले अंग्रेजी लेखक बने हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। सो यहाँ पे इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। अगला सवाल है, हाल में ही किसे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये जो है अक्षय पात्र जिसका आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, और ये जो है अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र जो है यह भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन परियोजना में से एक है। तो इसको जो है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी बहुत बड़ी न्यूज़ है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं मिस इंडिया 2019 के खिताब किसने जीता। ये सवाल जो है पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए। सुमन रॉय यानी कि ऑप्शन ए जो है इनको मिस इंडिया 2019 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पे सुमन राव जो है इसका सही उत्तर है। तो सुमन राव राजस्थान की रहने वाली हैं, 2018 का किताब अनुकृति व्यास ने जीता था। सुमन राव जो राजस्थान की रहने वाली हैं ये मिस इंडिया 2019 का अवार्ड जीती हैं। तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम शायद कोई सभी ले लीजिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। क्योंकि एक दो नंबर का क्वेश्चन जो है बन जाता है और 100% है कि आपके आने वाले चाहे जो कोई से भी एग्ज़ाम हो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना श्योर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है रीडिंग का जो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है ये किसने जीता। तो रेड इंक का जो अवार्ड है वो बेसिकली ओनली एक्सीलेंस इन इंडियन जर्नलिज्म में दिया जाता है। तो इसका जो अवार्ड है रचना खैरा ने जीता। सो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। तो ये जो अवार्ड है ये आधार कार्ड के डाटा की सुरक्षा की स्थिति का खुलासा करने के लिए इन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं एक नए सवाल की। तो यहाँ पे पूछा गया है किस देश ने मणिपुर में शांति संग्रहालय उपहरण स्वरूप प्रदान किया गया है। तो शांति संग्रहालय उपहरण स्वरूप कौन से देश ने मणिपुर को दिया है। तो ये जो है जापान ने प्रदान किया है। सो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान की कैपिटल सभी को मालूम है, टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है। तो कैपिटल से भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं। देन यहाँ पे बात किया जाए चाइना की, तो चाइना के सबको मालूम है कैपिटल क्या है। चाइना की कैपिटल जो है बीजिंग, जर्मनी की बर्लिन, फ्रांस की पेरिस। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम कुछ अवार्ड के आपके एक समरी बना के देते हैं ताकि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए याद करना एक बार फिर से। तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है या फिर ये वीडियो जो है पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें।
अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बना के लेके आऊँगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जब नहीं मिलता है, तब जो है हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम जो है आप लोगों के लिए कुछ अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या अवार्ड्स दिए गए थे जो हमने यहाँ पे बात किया। तो मालदीव के सर्वोच्च सम्मान जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 9 Dots Prize 2019 जो है भारतीय लेखिका एनी जैदी को दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुरस्कार जो है जोखा अलहार्थी को दिया गया है, जो ओमान की लेखिका है। देन बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैम्पियंस अवार्ड जो है अक्षय पात्र को दिया गया है। यूनिसेफ द्वारा मानवतावादी पुरस्कार जो है प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको अवार्ड्स बताए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार फिर से देखें, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखें। साथ ही साथ चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं जिनमें हमने रिक्रूटमेंट वगैरह बता रखी है। इनकी लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले आप फॉर्म को ज़रूर देखें, वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर रखा है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई है। ये जो वीडियो हमने करंट अफेयर अवार्ड से आप लोगों के सामने पेश किए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल में काफ़ी सारी इक्विपमेंट भी मालूम चलती है, तो आपके लाइक और शेयर के हम भूखे हैं। जितने लाइक शेयर जितने व्यूज़ आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपके लिए काम करते हैं। इसी तरह आप हमें प्यार मोहब्बत देते रहिए और हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज़ लेके आएँ। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।